हेलो एंड वेलकम इस वीडियो लेक्चर में हम एन न्यू एडिशन बुक की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व करेंगे रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कम से सी ऑफ इट्स डायमीटर से डी दैट इज पाई इज सी डिवाइडेड बाई डी दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इराशनल हाउ विल यू सॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पाई सरकमफ्रेंस सी और डायमीटर डी की रेशो होती है सी डिवाइडेड बाई डी ये पाई होती है ये इसकी डेफिनेशन है जबकि हम पाई को सी डिवाइडेड बाई डी में लिख पा रहे हैं यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो फिर पाई इरेशनल कैसे हुआ ये इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि पाई इज इरेशनल आप इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे सॉल्व करोगे अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं सरकमफ्रेंस क्या होता है टू पाई आर और डी है हमारे पास डायमीटर और डायमीटर होता है टू आर तो अगर हम इसमें पाई के साथ टू आर को ब्रैकेट लगा दें तो ये पाई टाइम्स डी बन गया हम जानते हैं पाई इज इरेशनल तो पाई डी क्या होगा एक रैशनल नंबर जब इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो इरेशनल बनता है तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि सरकम जो है वो इरेशनल नंबर है तो पाई डी इज इरेशनल बिकॉज पाई इज इरेशनल एंड दैट इंप्लाइज दैट सर्कम इज इरेशनल तो सरकम खुद ही इरेशनल है हमारे पास जो रैशनल की डेफिनेशन है रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स which can be written as p divided by q where p and q are integers here numerator is irrational and that implies that pi is equal to c divided by d